चलिए बात कर लेते हैं भोपाल की। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आज भोपाल आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का करेंगी शुभारंभ। 15 देशों से 350 विद्वान होंगे शामिल, 5 देशों के संस्कृति मंत्री भी होंगे शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भोपाल आएंगी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 15 देशों से 350 विद्वान भी आज शामिल होने वाले हैं। वहीं 5 देशों के संस्कृति मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें राज्यपाल मंगूबाई पटेल भी शामिल होंगे। आज भोपाल आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का करेंगी शुभारंभ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 15 देशों से 350 विद्वान शामिल होंगे, वहीं 5 देशों के संस्कृति मंत्री भी शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं कार्यक्रम स्थल से हमारे संवाददाता सनी मालवीय। सनी, किस तरीके की तैयारी चल रही है, चूंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं, क्या कुछ खास इस कार्यक्रम में होने वाला है आज? जी नेहा जी, अंतर्राष्ट्रीय 7वें धर्म और धम्म सम्मेलन में आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल पहुंचेंगी और तैयारियों की बात किया है तो लगभग तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यकारी सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि इसमें जो 15 देशों के हैं वो विद्वान, 350 विद्वान चिंतक शरणार्थी शामिल होंगे, 5 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगी। कुल मिलाकर माना जाए कि एक बड़ा सम्मेलन है। सुरक्षा की लिहाज से जाए तो राजधानी भोपाल में 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, देख सकते हैं आप तस्वीर। आपको बताना चाहूंगा कि बिना प्रवेश पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं मीडिया की भी एंट्री नहीं है और लगातार ये एक बड़ा सम्मेलन है। और जिस तरह से ठीक 12:30 बजे द्रौपदी मुर्मू राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे पहुंचेंगी और इसका उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था की बात किया तो राजधानी भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बदली रहने वाली है। और जो आज बोर्ड एग्जाम भी चल रहा है और बोर्ड एग्जाम में बच्चों को कहीं ना कहीं एग्जाम देना है, उनके लिए ये ट्रैफिक व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक सुबह 9 बजे से 2:30 बजे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। इसमें शुभारंभ सत्र में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज उद्बोधन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि नए युग के लिए पूर्व का मानववाद जो विषय है इस पर केंद्रित रहेगा, इस पे चर्चा की जाएगी। और ठीक 12:30 बजे द्रौपदी मुर्मू राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे जो कन्वेंशन सेंटर है इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। जी जी सनी, ये धर्म धम्म सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि धर्म पूरे 15 देशों के 350 जो विद्वान है, चिंतक है, शरणार्थी, इस जो नए युग के लिए पूर्व मानववाद जो विषय ये केंद्रित किया गया, इस केंद्रित विषय पर एक बड़ी चर्चा की जाएगी जिसमें विद्वान शरणार्थी इस पर चर्चा करेंगे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ भोपाल से साथी हमारे सनी मालवीय जुड़े थे जो पूरी अपडेट दे रहे थे। आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भोपाल पहुंचने वाले